नमस्कार, मैं हूं भारती। स्वागत है आपका अनिल कंप्यूटर्स की फ्री ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम देखेंगे कि एमएस वर्ड में पिक्चर के चारों तरफ टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है। जैसे आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई जा रही है, उस पिक्चर के चारों तरफ टेक्स्ट लिखा गया है, तो वो टेक्स्ट कैसे लिखते हैं, आइए जानते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक नई फाइल ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल एन से हमने नई फाइल ओपन कर ली। इस फाइल को सबसे पहले देखो, आपको अलग अलग फॉर्मेट टेक्स्ट के चाहिए। इंसर्ट टैब में आपको यहाँ पे वर्ड आर्ट स्टाइल का एक ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कई तरह से टेक्स्ट दिए गए हैं, लेकिन हमें अगर इस टाइप से नहीं, कुछ अलग स्टाइल से अगर हमें वर्ड लिखना है, तो हमें इस फाइल को सबसे पहले सेव करना है। तो फाइल में जाके हम सेव पे क्लिक करते हैं। तो इस फाइल को आप कोई भी लोकेशन दे के हम इसको सेव कर देते हैं। नाम से सेव की है और इस सेवेस टाइप में आपको लेना है वर्ड 97 2013 टेम्पलेट्स। देन इसको सेव कर दिया। अब आपको अगर कोई भी टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए इंसर्ट टैब में जाके आपको वर्ड आर्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें इस टाइप के वर्ड आर्ट स्टाइल आएगी। कोई भी आप स्टाइल यहाँ से ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। जैसे हम कुछ इस टाइप से स्टाइल लेते हैं। यहाँ पे आपको साइज़ वगैरह सेट कर लेनी है, किस साइज़ का बनाना चाहते हैं उस साइज़ को, और उसको बोल्ड वगैरह करना है तो बोल्ड वगैरह कर देंगे। और यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं। और इसको ओके कर देते हैं। तो कुछ इस टाइप से हमारे पास टेक्स्ट आ जाता है। इसके अलावा अगर हम इसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं, तो चेंज शेप में भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस टाइप की स्टाइल दी गई है, आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और हमें जैसे बॉटम के लिए भी, जैसे हमने ये ऊपर टेक्स्ट के ऊपर हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं पिक्चर के ऊपर, और नीचे बॉटम में भी अगर कुछ लिखना चाहते हैं, तो वो भी सेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें कोई शेप बनानी है, और शेप के अंदर हम अपना पिक्चर लेके और उसके चारों तरफ टेक्स्ट बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इंसर्ट में ही कोई शेप क्रिएट करनी है। यहाँ से हमने कोई भी एक शेप इंसर्ट कर लेना है। जैसे हमने ये लिया और इसको क्रिएट कर दिया। इसमें कोई भी कलर वगैरह ऐड करना है तो कलर वगैरह ऐड कर सकते हैं, और कंट्रोल डी से इसकी कॉपी बना सकते हैं। एक हमें शेप पीछे चाहिए, एक शेप आगे चाहिए, तो दोनों की शेप की साइज़ जो है वो थोड़ी सी डिसाइड कर लेते हैं। सबसे पहले जो अंदर वाला जो शेप है, उसकी साइज़ एक लगभग हम साइज़ ऑप्शन में जाके पे साइज सेट कर लेते हैं। जैसे 2 इंच समथिंग हम रख लेते हैं, और इसका विड्थ जो है वो भी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सेट कर देते हैं। फिर बाद में आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं उसको। ये हमने बना दी अंदर वाले की, और बाहर वाला जो आपका शेप दे रखा है उसकी भी साइज सेट कर लेते हैं। उसके लिए साइज यहाँ पे हमने दी है जैसे 2.65। यहाँ पे हमने इसकी विड्थ एक लगभग अंदाज से हमने 2.87 दे दिया है। चेंज हम बाद में भी कर सकते हैं, जैसा हमको सेट करना है उसके अकॉर्डिंग। अब आपके पास ये जो टेक्स्ट है, उसको आपको इसके साथ अरेंज करना है। तो इन दोनों शेप को हमने एक साथ सेलेक्ट कर लिया कंट्रोल के साथ, और इसको हम अगर शिफ्ट के साथ अगर ड्रैग करते हैं, तो दोनों शेप एक साथ एक ही साइज में वो मूव होती है। इस तरीके से लिए इसको आप सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा चाहें उससे। इसके बाद आपको अपना टेक्स्ट लिखना है, और अगर आपको साइज़ अंदर वाले सर्कल की अगर कम लगती है, तो आप साइज़ और कम भी कर सकते हैं, या फिर शिफ्ट के साथ आप इसको अगर अंदर की तरफ ड्रैग करते हैं, तो इसकी साइज़ और कम हो जाती है। तो हमेशा आपको शिफ्ट के साथ ही यूज़ करना है। इसके अलावा हमें इसमें शेप में से कलर अगर हटाना है, तो हम नो फिल भी कर सकते हैं। दोनों शेप अगर एक साथ सेलेक्टेड हैं, तो दोनों को हम एक साथ भी नो फिल कर सकते हैं इस तरह से। और कोई शेप की आउटलाइन डालनी है, तो हम यहाँ से इसकी कोई आउटलाइन दे सकते हैं। अब हमें इसमें थोड़ा सा सेट करके ये टेक्स्ट यहाँ पे अरेंज करना है। तो इस टेक्स्ट को हमें यहाँ से लेकर
वहाँ पे अरेंज करना है, लेकिन डायरेक्टली नहीं मूव होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके वर्ड आर्ट टूल के फॉर्मेट से हमें इसकी पोजीशन चेंज करनी है। यहाँ से थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर ली और रैप टेस्ट में इन फ्रंट ऑफ करेंगे, ऑलरेडी वो इन फ्रंट ऑफ है, यहाँ से आपको इसको सेट करना है। इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं। साइज़ वगैरह कम ज़्यादा चाहिए तो हम पहले ही जब टेक्स्ट अप्लाई कर रहे हैं उसी समय हम इसको टेक्स्ट को अरेंज कर देंगे और यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे उस सर्कल के अकॉर्डिंग। शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा आगे पीछे हम मूव करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से सेट होता हुआ आपको नजर आएगा। थोड़ा सा परफेक्शन लेना है उसका और फिर आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आपको और भी कोई टेक्स्ट इसके साथ लिखना है तो आप टेक्स्ट लिख लें और फिर दोनों को एक साथ आप उसको सेट कर सकते हैं, क्योंकि उसको अरेंज करना होगा उसके साथ। तो जैसे हमें इसमें नीचे की तरफ भी अगर कोई बॉटम में भी आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है तो आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसके लिए हम वापस वो इंसर्ट में जाके वर्ड आर्ट स्टाइल, यहाँ से हमने ये वाला ऑप्शन ले लिया है, साइज़ वगैरह सेट कर लेना है और इसमें बोल्ड वगैरह करके अगर आप जो भी टेक्स्ट लिखे हैं इस तरीके से हमने उदयपुर लिख लिया है। अब इस उदयपुर को भी हमें इसकी पोजीशन सेट करने के बाद इसको सेट कर लेना है। आप किस पोजीशन पे इसको देना चाहते हैं उस पोजीशन पे इसको दे दें और फिर उसको अरेंज कर लें। शिफ्ट के साथ इसको आप थोड़ा सा ट्रैक कर लें या फिर ये आइकन दे रखा है इससे भी आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें से कोई और शेप भी यूज कर सकते हैं। अलग अलग टाइप की शेप है लेकिन आपको उसके अकॉर्डिंग लेना है तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं और उसको अरेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आप अरेंज करेंगे। साइज अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो साइज वगैरह फिर से हम कम कर सकते हैं उसकी। इस तरीके से आप उसको उस सर्कल में सेट कर सकते हैं। इस तरीके से जैसे हमारा उदयपुर सेट हुआ वैसे ही आप इस अनिल कंप्यूटर्स वाला टेक्स्ट भी आप उसको अरेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने शेप की पोजीशन भी सेट कर सकते हैं, तो आप इसको भी सेट किया जा सकता है। शिप के साथ आप इसको सेट कर दें। इस तरीके से आप उसको अरेंज कर लें। इसके बाद इसके अंदर आपको कुछ पिक्चर वगैरह भी इंसर्ट करनी है तो वो भी आप लोगो वगैरह कुछ डाल सकते हैं। उसके लिए जैसे इंसर्ट में आपको कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है तो कोई लोगो हमारे पास बना हुआ है उस लोगो को हम ले लेते हैं। यहाँ पे आपके पास एक पिक्चर इंसर्ट हो जाती है, उसको भी आप शिफ्ट के साथ ही थोड़ा ड्रैग करेंगे तो बराबर वो सेट होता है। इसके अलावा इसकी पोजीशन हमें सेट करनी है तो पोजीशन के लिए हमने पिक्चर टूल फॉर्मेट में जाके आप इसकी पोजीशन ले सकते हैं और इसको हमें उस शेप के अंदर सेट करना है। जब भी इसकी साइज़ बढ़ानी है तो शिफ्ट प्रेस करके ही बढ़ानी है। इस टाइप से आप टेक्स्ट को लिख सकते हैं और इसको अरेंज और कर सकते हैं। अलग अलग टाइप से अरेंज किया जा सकता है, जैसे हम अलग अलग टाइप से अगर कोई भी पिक्चर ऐड करते हैं तो कुछ इस टाइप से भी कर सकते हैं। आपको अलग से दिख रहा है बिल्कुल डिफरेंट टाइप से, आप इस तरह से भी आप उसको अरेंज कर सकते हैं। कई तरह से हम अपने पिक्चर के चारों तरफ टेक्स्ट लिख सकते हैं। और अगर आपका कोई पिक्चर ऐसा है कि वो बिल्कुल सर्कल में सेट है तो आप डायरेक्टली बिना शेप के भी डायरेक्टली उस सर्कल पे ऐड करके अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। धन्यवाद। आप किस टॉपिक के बारे में नया वीडियो देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह वीडियो अपने ऐसे साथियों को ज़रूर शेयर करें जिनके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकता है। इस तरह के और भी नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो
तो इसे तुरंत लाइक करें, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं भारती अपनी पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद।